तो सच्चाई का पोस्टमार्टम में भी यही है कि सर पे मारने से मौत हुई है। और चार दिन बाद मीडिया में कहते थे कि तुमको जो चाहिए ले लो, लेकिन केस वेस मत करो। और उस दिन ऐसे झूठी मूठी बुला लिया कि आओ अपन सुलह करते हैं, लेकिन है ना मनु गुंडा और ये मनीष गुंडा और इसकी मेरी जिठानी जो लीला टेकवानी है उसने पानी भी नहीं दिया। तड़फ रहे थे, मेरे हस्बैंड ने तड़प तड़प के जान दिए, बोले थे पानी दो। कोई साथ में फ्रेंड थे वो गए थे, उन्होंने बोला पानी दो, बोले मरने दो इसको, मरना चाहिए। और ये नरेश, ये चारों गुंडों को अंदर डालो नहीं तो मेरे को मार दो, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। कल शादी कर रहे हैं। विवाद क्या था ये? विवाद बस एक मकान है जो कि ना वकील ने तय कर लिया था कि तुम्हारा भी है, तो उन्होंने को हम बोलते थे राजी खुशी कर लो, तो उस दिन राजी खुशी खाली बुलाया था उन्होंने, ये लीला टेकवन ने बुलाया आ जाओ सुलह करते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको मारा बुला के बैठे थे, मुझे ही पापा ने फोन किया था जी, उनको बहुत मारा है और सर पे लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है, ब्लड जम गया है सर पे। क्या नाम था? मेरे हस्बैंड का नाम विजय टेकवन था, बिल्कुल नॉर्मल थे, फिट थे और सब। ये राधा स्वामी कॉलोनी है भगवानगंज में। अब क्या चाहते हैं? अब मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा पति दिला दो, नहीं तो इनको गुंडों को मारवाओ, कुछ करो जो इंसाफ हो। तो आप सिर्फ मेरी वीडियो मत लो, मेरे को इंसाफ दिलाओ तो समझूंगी कि सच का साथ दे रहे हो। उनको खून जमने की वजह से, वो नॉर्मल थे, फिट थे, वो खून होने की वजह से सर में से है ना मौत हुई है बस। और वो झूठी झूठी कह रहे कि अटैक हुआ, अटैक नहीं हुआ, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख लो भले। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ कराइए, लेकिन वो दो दिन में छूट गए, जब सच्चाई यहाँ पे तो तुम क्यों छोड़ दो? पुलिस 302 में तू बोल रहा हूँ। एक सेकंड, आपका नाम है? तू बोले तू, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया टेकवानी है, विजय टेकवानी की वाइफ हूँ। इनको मेरे को इंसाफ दो, मेरा पति को इंसाफ दो। हारी खुई निवासी हूँ मैं, और भगवानगंज का मामला है जिसमें हमारी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें विल में भी हमारा नाम लिखा हुआ है। वहाँ पर मेरे फादर गए थे, उनको बुलाया गया था सुलह कराने के लिए, पर मुझे बताया गया था कि गुंडे बुला के बैठे हैं, तो मैंने पापा को बोला था पुलिस के पास जाओ। तो हम भगवानगंज थाने के वहाँ के चौकी पे जाने के बाद पापा को है ना बोला कि आप उनको बुला के लाओ। जैसे ही हमारे रिश्तेदार के घर पे पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने दो लड़कों या पड़ोसियों को बुला के बैठे थे, मिलके मारा है, उनके सर पे लगे, और सर पे लगने के बाद जब उठने की कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल बेहोश हो चुके थे, तब मेरी चाची ने साफ साफ अपने मुँह से ये कहा है कि भाई पानी भी नहीं देंगे, मर रहा है, अच्छी बात है, मरने दो, और वहाँ पर छोड़ दिया। फिर मैं पहुँचा तो मेरे को बिल्कुल ही पापा की वो तब्ज नहीं चल रही थी। कौन लोग थे वो? मेरे चाचा जी थे नरेश टेकवानी नाम से, और मनीष टेकवानी ने मेन धक्का देने में, और मनोज कोरारी जो उनका पड़ोसी है उन्होंने मिलकर धक्का दिया है और हाथ सफाई की है और मार दिया है। 302 कराई है और पुलिस वालों ने पता ही नहीं कि उनको दो दिन में छोड़ दिया है, और हमने तो कोशिश करी तो पुलिस वाले कोई सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैंने चेक करा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहा है कि सर पे लगी है, और सर पे लगने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई है, और ये दिखा रहे हैं कि हार्ट अटैक के कारण चार दिन बाद, और उसके बाद है ना रफा दफा करने की कोशिश की गई है। शादी हो रही है उसकी कल, और शादी हो जाएगी, लड़की की जिंदगी खराब, हम चाहते हैं एटलीस्ट शादी ना हो तो किसी अगली की तो जिंदगी खराब ना हो, और क्योंकि जेल में जाना ही है हमको। हम यहाँ पर कलेक्ट्री में आए हैं SP ऑफिस के लिए, हम एक एप्लीकेशन लेके आए हैं, पर अभी SP है नहीं यहाँ पर। हितेश टेकवानी उनका बेटा हूँ।